बाजेब। श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित बाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित मैं शैली में लिखी गई कथा है। बाजेब के खो जाने पर बालक आशुतोष, जो कहानी का मुख्य पात्र है, को जब डांटा जाता है तब वह अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लेता है। आइए देखते हैं कि लेखक ने किस प्रकार एक बाजेब के सहारे बच्चों के सरल कल्पनाशील स्वभाव और व्यवहार को अत्यंत कुशलता से प्रस्तुत किया है। मेरी 4 वर्षीय मुन्नी आकर बोली, बाबूजी, हम भी बाजेब पहनेंगे। बाजेब मतलब पायल, अंग्रेजी में एंकलेट्स। मैंने पूछा, कैसी? वह बोली, जैसी रुक्मणी पहनती है, बीना पहनती है। मैंने कहा, अच्छा, मंगा देंगे। बोली, नहीं, आज ही लूंगी। मुन्नी कब मानने वाली थी। बुआ ने गोद में उठाया, मिठाई खिलाई और जल्दी ही बाजेब दिलाने को कहा। तब जाकर उसने जिद छोड़ी। रविवार को बुआ आई और चांदी की बाजेब ले आई। बाजेब पहनकर मुन्नी खुशी से यहां वहां ठुमकती फिरी। मुन्नी की बाजेब देखकर मुन्नी के भाई आशुतोष ने भी बुआ से साइकिल की फरमाइश की। बुआ बोली, बेटा, तेरे जन्मदिन पर दिलवाएंगे। यहां लेखक ने बालक आशुतोष के माध्यम से भाई बहन के बीच की प्रतिस्पर्धा को दर्शाया है। बहन मुन्नी की फरमाइश पूरी होते देख आशुतोष ने भी अपनी फरमाइश जाहिर कर दी। 2-1 दिन बीत गए तो शौक पूरा हो गया और बाजेब उतार दी गई। एक शाम श्रीमती जी बोली, आपने कहीं बाजेब देखी? मैंने कहा, जहां रखी थी वहीं ढूंढो। वह बोली, मैंने तो दोनों बक्से में संभाल कर रख दी थी, एक तो है पर दूसरी गायब है। सब जगह देखा? मैंने पूछा। हाँ हाँ देखा, मुझे लगता है बंसी ने ही निकाली है। पत्नी बोली। उससे पूछा? मैंने कहा। बोली, वह तो साफ इंकार करता है। तुम नहीं जानते, बड़ा छटा हुआ है। छटा हुआ मतलब माना हुआ मक्कार या बदमाश। यूं ही मानने वाला नहीं, तुम उसे डांटते क्यों नहीं? बालिका की मां को शक है कि बाजेब उनके नौकर ने चुराई है। क्या कहूं, ला भाई बाजेब दे। मैंने कहा, तुम ही ने सिर पर चढ़ाया है। वे बोली। मुन्नी की मां उसके पिता से ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्होंने नौकर बंसी को कुछ ज्यादा ही झूठ दे रखी है। तुमने आशुतोष से पूछा? उसे भी पतंग का बड़ा शौक है। मैंने कहा। अगले दिन आशुतोष से पूछा गया, बेटा, बाजेब ली है? वह चुप रहा। बार बार पूछा तो जोर जोर से रोया और बोला, नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। पत्नी बोली, मुझे तो नौकर पर ही शक है। मैंने आशु को बुलाया, प्यार से गोद में बिठाया और फिर पूछा। पिता ने आशु को बहुत प्यार से गोद में बिठाया ताकि प्यार से वह सारी बात सच सच बता दे। उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गया, उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गया से तात्पर्य बालक के मन में उठ रहे भाव और विचारों की उथल पुथल से है। मुझे लगा उसने ही बाजेब ली है। मैंने पूछा, बेटा, तुमने बाजेब अपने दोस्त छुन्नू को दी है? उसने सिर हिला दिया।
बालक आशुतोष का सिर हिलाकर सहमति प्रकट करना उसके अबोध मन की सरलता को दर्शाता है। मां ने गोद में उठाकर आशुतोष को चूमा और सच कहने पर शाबाशी दी। अब मैंने आशुतोष से कहा, बेटा जाओ छुन्नू से पाजेब ले आओ। उसके पास ना हुई तो कहां से देगा, वह बार बार यही दोहराता रहा। अंत में हार कर मैंने कहा, वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने छुन्नू को दी? हाँ। फिर उसने कहा बेचेंगे? हाँ। क्या कहा, मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। सो अब उसके पास पाजेब होगी? हाँ। तो लाओ। पर उसके पास होगी नहीं तो वह देगा कहां से? बात छुन्नू की मां तक भी पहुंची। उसने भी छुन्नू को मारा पीटा पर कुछ न निकला। वह बोली, छुन्नू ने कभी चोरी नहीं की, अब आप कहते हैं तो क्या कहूं। उसने तंग आकर छुन्नू को मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा, क्यों रे, बताता क्यों नहीं, तूने पाजेब देखी? उसने सिर इनकार में हिलाया और बताया कि आशुतोष ने पतंग वाले को चांदी की पाजेब दी है। छुन्नू की मां ने उसे फिर पीटना शुरू कर दिया। पत्नी और मैं बोले, मारिए मत, पाजेब उतनी बड़ी चीज नहीं। वह बोली, चलो बहन जी, आप हमारा घर देख लो, और क्या कहूं। मैंने कहा, छोड़िए, बात बढ़ाने से क्या फायदा। अगले दिन दफ्तर जाते वक्त भी मैंने पत्नी से कहा कि आशुतोष से प्यार से पूछना। घर लौटने पर पत्नी ने खुशी से बताया कि आशुतोष ने 5 आने में पाजेब पतंग वाले को दी है। उसके बारे में पूछने पर पता चला कि वह छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया। मैंने उससे पूछताछ शुरू की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने तुम्हें 5 आने दिए? हाँ। अभी हैं कि खर्च कर दिए? एक बार जवाब में हाँ और एक बार ना कहा। बार बार मैं जो भी पूछता वह हाँ हाँ कभी ना ना कहता जाता। गुस्से में आकर मैंने उसके कान खींचे और कोठरी में बंद कर दिया। कुछ घंटे बाद बाहर निकालकर पूछा, कौन सा पतंग वाला? वह बोला, कोने वाला। यहां लेखक ने बाल मन की सरलता को दिखाया है। बालक आशुतोष ने चोरी तो की नहीं, परंतु पिता की डांट और न खानी पड़े इस डर से झूठी घटनाएं बताने लगा। मैंने उसके चाचा के साथ वहां भेजना चाहा ताकि पैसे देकर पाजेब वापस ले आए, पर आशुतोष डराने धमकाने पर भी जाने को तैयार न हुआ। अर्थात पिता ने आशुतोष को मारने पीटने का डर दिखाया। क्यों रे, नहीं जाएगा? मैंने गुस्से से कहा। उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने अपने छोटे भाई प्रकाश को बुलाया और कहा, प्रकाश इसे उठा कर ले जा। प्रकाश ने आशुतोष को गोद में उठाया और चल दिया। थोड़ी देर में प्रकाश लौट आया और बोला कि पाजेब किसी भी पतंग वाले के पास नहीं है। क्रोधित होकर मैंने फिर आशुतोष को कोठरी में बंद किया, पीटा, पर लगा कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है। अंत में तंग आकर 5 आने उसके हाथ में देते हुए कहा, बेटा डर मत, बस ये पैसे उसे लौटा दे और पाजेब ले आ, छुन्नू को भी साथ ले जाना। बहुत बार कहने पर वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। तभी बाहर से बुआ आती दिखाई दी।
वह बोली, अरे कहाँ जा रहा है बेटा? मैं भीतर से ही चीखा, बंसी न जाए तो जबरदस्ती उठा कर ले जा। अरे क्यों सता रहे हो जरा से बच्चे को? यह कहकर बुआ ने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने रख दी। बास्केट अर्थात बिना आस्तीन की कोटी, जैकेट विदाउट स्लीव्स। पाजेब देखकर मैं डर गया जैसे बिच्छू हो। वे बोली, उस रोज भूल से एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। पाजेब बुआ के पास मिलते देख आशुतोष के पिता को अपने असंतुलित और कठोर व्यवहार का एहसास हुआ और दुख भी। माता पिता कभी कभी बिना ठीक से सोचे समझे किसी गलत निर्णय पर पहुंच जाते हैं और बच्चों को दोषी मान लेते हैं। जब उनको अपनी इस गलती का एहसास होता है तब वे पछताते हैं। यहां लेखक ने बड़ी बखूबी उनकी इस पीड़ा को दर्शाया है।